वो मेथड्स अभी देखे हैं, ब्रॉडली दो कैटेगरीज ऑफ मेथड्स, एग्रीगेटिव और रिलेटिव एग्रीगेटिव मेथड, जिसके अंदर हम कैलकुलेट करते हैं कि इंडेक्स नंबर्स को कैसे निकालते हैं, राइट. सो इस ये जो पार्ट है चैप्टर का, वो एक सेकेंड पार्ट है ऑल टुगेदर, बहुत डिफरेंट है जो हमने पहले पढ़ा है. और इसके अंदर हम देखेंगे कौन से इंपॉर्टेंट इंडेक्स नंबर्स हैं जो हम यूज़ करते हैं, इंडेक्स नंबर्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं एक इकोनॉमी के लिए, और अलग अलग इंडेक्स नंबर्स को हम स्टडी करेंगे कि उनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, राइट. सो द फर्स्ट वन इज़ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, विच इज़ कॉल्ड CPI. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स भी बोलते हैं, यानी कि लिविंग का, यानी कि ज़िंदा रहने का जो टोटल कॉस्ट है या खर्चा है वो कितना है. तो ये जो इंडेक्स है इसको कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स भी बोलते हैं, और वो आपके लिविंग के कॉस्ट को मेजर करता है. क्योंकि व्हाट वी फाइंड इन इंडेक्स CPI इज़ इट मेजर्स द एवरेज चेंज इन रिटेल प्राइसेस. रिटेल प्राइसेस के अंदर जो एवरेज चेंज होता है उसको CPI मेजर करता है. अब रिटेल प्राइसेस होते हैं जो हम जो एज अ कंज्यूमर हम पे करते हैं, अगर हम किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी गुड को कंज्यूम करना चाहें तो, राइट. सो फॉर एग्जांपल मैगी है, ब्रेड है, मिल्क है, अगर आप ये सारे प्रोडक्ट्स खरीदते हैं मार्केट में जाके, सोप, डिटर्जेंट्स, टॉफीज, चॉकलेट्स, सो इन सब के ऊपर एक MRP लिखा होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जितने पैसे आप देते हैं रिटेलर को या शॉपकीपर को, और फिर आप अपना प्रोडक्ट खरीदते हैं, राइट. सो ये रिटेल प्राइसेस यानी कि डायरेक्टली कंज्यूमर को जो इफेक्ट हो रहा है प्राइस इंक्रीज का, उसको मेजर कर रहा है. और क्योंकि एक कंज्यूमर चीज़ें जो हैं, प्रोडक्ट्स जो हैं, वो इसलिए ख़रीदता है ताकि वो उसको कंज्यूम कर सके फॉर लाइफ, राइट, ज़िंदा रहने के लिए. सो व्हाट डू वी डू इज इट्स ऑल्सो नोन एज कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स. सो हम इससे इसको मेजर कर सकते हैं, राइट. सो लेट्स मूव ऑन टू एन एग्जाम्पल. अगर मैं CPI निकाल रही हूँ इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए, तो मैं क्या करूँगी कि इट मेजर्स कि वो इंडस्ट्रियल वर्कर कितनी डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं वो खरीद सकता है ओवर अ स्पैन ऑफ टाइम, राइट. सो इट्स कंसिडर्ड एन इंडिकेटर ऑफ जनरल इन्फ्लेशन. सो CPI के बहुत सारे कैटेगरीज हैं जो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने वाले हैं, लेकिन जो इंडस्ट्रियल वर्कर का CPI है वो बहुत इंक्रीजिंगली यूज़ होता है एज एन इंडिकेटर ऑफ जनरल इन्फ्लेशन. सो वॉट इज़ इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन इज़ प्राइस राइज. जैसा कि आपको पता है कि सारी कमोडिटीज़ का जो प्राइस मार्केट में इंक्रीज़ होने लगता है, तो हम कहते हैं कि मार्केट में इन्फ्लेशन आ गया, यानी कि एक सडन प्राइस राइज आ गया, प्राइस का जो लेवल है वो इंक्रीज़ हो गया, राइट. सो जनरल इन्फ्लेशन को, यानी कि वो इन्फ्लेशन जो डायरेक्टली कंज्यूमर्स को इम्पैक्ट कर रहा है, उनके कॉस्ट, उनके लिविंग स्टाइल को इम्पैक्ट कर रहा है, वो उसका जो मेजर है वो आपको CPI ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर से मिलता है. यानी कि इंडस्ट्रियल वर्कर का अगर आप कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकालेंगे, और अगर उसमें इंक्रीज बहुत ही ज़्यादा होगा, तो हम पता लगा सकते हैं कि इन्फ्लेशन कितना हुआ है बेस ईयर के कंपैरिजन में, राइट. लेट्स मूव ऑन टू द एग्जांपल स्टेटमेंट. एग्जांपल स्टेटमेंट आपको क्या कह रही है? द CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर इज़ 526 इन जनवरी 2005 विद बेस ईयर इज 1980-200. यानी कि एग्जाम्पल स्टेटमेंट आपको बोल रही है कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए, वो जनवरी 2005 के अंदर है 526, और जो बेस ईयर है यानी कि जो जिसमें इंडेक्स 100 है वो है 1982. सो इससे हमें क्या पता चलता है? हमने देखा कि 1982 से 2005 तक जो प्राइस राइज है वो हुआ है 526, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 5.25 times का जो है वो इंक्रीज़ हुआ है हमारे जो प्राइस लेवल है उसके अंदर. यानी कि अगर अब किसी का इनकम 100 rupees था 1982 में, तो वो 100 rupees में जितनी गुड्स या जितनी कंजम्पशन बास्केट होता है, जिसमें बहुत सारे बेसिक गुड्स होते हैं जो फिक्स्ड रहते हैं उनकी क्वांटिटी, सो हम क्या कह रहे हैं कि ये कंजम्पशन बास्केट थी जो 100 rupees के अंदर 1982 में आपका कंज्यूमर खरीद रहा था, राइट. सो ये जो कंजम्पशन बास्केट है उसमें क्वांटिटी ऑफ गुड्स तो अभी भी सेम ही है. ये जो क्वांटिटी ऑफ गुड्स है वो अब अगर 2005 के अंदर खरीदेगा जनवरी के अंदर, तो उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे? वो अमाउंट है 2006, यानी कि अब ये सेम बास्केट जो है उसको खरीदने के लिए 256 rupees देने होंगे. इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, जब हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकाल रहे हैं तो इसको बिल्कुल भी ऐसे इंटरप्रेट नहीं करना चाहिए कि आप वो बास्केट खरीदने ही वाले हैं. इसका मतलब ये है कि आप वो बास्केट कितने में खरीद सकते हैं, यानी कि योर अबिलिटी टू बाय मैटर्स एंड यू एक्चुअली बाइंग इट डजंट मैटर. आपको खरीदना नहीं पड़ेगा, हम सिर्फ अबिलिटी को मेजर करते हैं कि क्या वो इंडस्ट्रियल वर्कर इतने सालों के बाद में भी वो गुड्स को खरीद सकता है या नहीं खरीद सकता है.
सो सी पी आई जनरल इन्फ्लेशन तो मेजर करता है इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए, वो ये भी मेजर करता है फिर कि सेम कॉस्ट ऑफ लिविंग को या फिर सेम लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए कितना इनकम इंक्रीज होना चाहिए रिलेटिव टू प्राइस इंक्रीज। जैसे हमने यहाँ देखा 5.25 टाइम्स, यानी कि 5 गुना से भी ज़्यादा जो हैं वो प्राइजेस बढ़ गए हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू अनदर टॉपिक विच इज़ कॉल्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ सी पी आई। कंस्ट्रक्शन ऑफ सी पी आई का बेसिक मतलब होता है कैलकुलेशन ऑफ सी पी आई। हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को कैसे निकालते हैं, राइट? सो एक टेबल है जो एन सी आर टी टेक्सट बुक में है, एग्जैक्टली सेम टेबल यहाँ पे कॉपीड है। लेट्स स्टडी द टेबल फर्स्ट। सो टेबल में आइटम्स दिए हुए हैं अलग अलग, जो कि एक इंडस्ट्रियल वर्कर या फिर एक नॉर्मल सिटीजन ऑफ ए नेशन जो कि खरीदेगा, राइट? फूड, फ्यूल, क्लोथ, रेंट और मिसलेनियस, यानी कि बाकी सारी चीज़ें जो खरीद सकता है, उसको हमने एक कैटेगरी के अंदर क्लब कर दिया है। फिर वो कहते हैं दिस इज W, W इज एक्चुअली वेट्स। और इस टेबल के अंदर जो वेट्स हैं वो परसेंटेज के अंदर हैं। अब वेट्स हमने जैसे पहले टॉपिक में पढ़ा था, वेट्स का क्या सिग्निफिकेंस होता है? वेट हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमें देखना होता है कि अगर फूड और फ्यूल और रेंट, क्लोथ, ये सारी आइटम्स हैं तो जितनी फूड की ज़रूरत है उतनी रेंट की शायद ज़रूरत नहीं हो, या जितनी इंपॉर्टेंस हम क्लोथ के साथ अटैच करते हैं उतनी इंपॉर्टेंस हम फ्यूल के साथ, पेट्रोल के साथ अटैच नहीं करते, राइट? सो रिलेटिव इम्पॉर्टेंस इनकी जितनी है एक कंज्यूमर की लाइफ के अंदर या फिर एक इंडस्ट्रियल वर्कर की लाइफ में, हमने उसके अकॉर्डिंग ये वेट्स को डिज़ाइन किया है। सो ये अज्यूम्ड वेट्स हैं जिसमें वो कह रहा है कि 35% यानी कि CPI पर, कंज्यूमर्स प्राइस इंडेक्स पर, या किसी भी कोई भी इंडेक्स अगर आप निकाल रहे हैं इन आइटम्स को यूज़ करके, सो उसका जो इंडेक्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा 100% में से जो 35% इम्पैक्ट है वो फूड का होगा, यानी कि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट फूड का होगा आपके इंडेक्स पे। अगर फूड के प्राइसेस थोड़े से भी बढ़ते हैं तो वो थोड़ा सा इंक्रीज ज़्यादा पार्ट ऑफ CPI के अंदर रिफ्लेक्ट होगा, राइट? फिर वो कह रहा है फ्यूल जो है वो 10% वेटेज रखता है, क्लोथ 20% वेटेज रखता है, रेंट 15% वेटेज रखता है, बाकी सारी आइटम्स जो भी वो खरीदना चाहे उसकी वेटेज हमने रफली 20% ले लिया है। सो जो टोटल वेट है इट एड्स टू 100%, और उसके रिलेटिव इम्पोर्टेंस ऑफ आइटम्स यानी कि कौन सी आइटम कितना इम्पोर्टेंस रखती है उसके अकॉर्डिंग उसको हमने परसेंटेज पॉइंट्स दे दिए, राइट? P0 और P1 का आपको पता है, P0 होता है बेस ईयर का प्राइस। बेस ईयर यहाँ पर हमने 1982 ले रखा है, तो 1982 के जो प्राइस लेवल है वो बेस ईयर का प्राइस लेवल है, और P1 होता है वो करंट ईयर का प्राइस लेवल होता है, राइट? सो करंट ईयर वी हैव टेकन टू 2005 एंड R इज प्राइस रिलेटिव। अब हमने इस पूरे टेबल में क्योंकि वेट्स भी परसेंटेज में लिए हैं तो हम प्राइस रिलेटिव को भी परसेंटेज में लेते हैं। सो दिस इज प्राइस रिलेटिव। रिलेटिव प्राइस होता है P1 अपॉन P0 इंटू 100, यानी कि करंट ईयर प्राइसेस को बेस ईयर प्राइसेस से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो हमें प्राइस रिलेटिव मिल जाएगा। सो अभी हम इन सबका प्राइस रिलेटिव ढूंढते हैं। जैसे 145 को 150 से डिवाइड किया और फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 96.67% का चेंज, 96.67% आ गया है प्राइस रिलेटिव, यानी कि दोनों प्राइस का जो रेशो है वो ऑलमोस्ट कितना है। सो द नेक्स्ट कॉलम इज, जो अगला कॉलम है वो है WR। सो W तो ये रहा वेट और R यहाँ पर है टेबल में, यानी कि प्राइस रिलेटिव। सो W कॉलम को और R कॉलम को, यानी इन दो कॉलम्स को हमने मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है? और जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो रिजल्ट है वो WR कॉलम के अंदर लिखा हुआ है, फाइन? सो वेट रिलेटिव मतलब प्राइस रिलेटिव। अगर फूड का प्राइस का जो प्राइस रिलेटिव है वो 96% आ रहा है और फूड की जो इम्पोर्टेंस है प्राइस इंडेक्स में वो 35% है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे WR में ताकि हम फॉर्मूला के अंदर वैल्यू पुट करके CPI निकाल सकें। सो CPI का जो फॉर्मूला है वो कैसा है? इट इज़ समेशन ऑफ WR डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ W, राइट? सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कंज्यूमर्स प्राइस इंडेक्स या कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, और इसके अंदर अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। सो समिशन WR आपको यहाँ पे दिख रहा है इस टेबल में क्या दिया हुआ है, 9786.85 डिवाइडेड बाय समिशन ऑफ W, सारे के सारे वेट्स जो परसेंटेज में हैं, सो इट कम्स डाउन टू
100%. सो वॉट डू यू गेट एज योर सी पी आई, यानी कि कंज्यूमर्स प्राइस इंडेक्स कितना आ जाता है? रफली 97.86%. सो ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है. हमने अब तक जितने भी एग्जाम्पल लिए उसमें सब में जो हमारा इंडेक्स नंबर्स हैं वो 100 से ज़्यादा आ रहे हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 100 से ज़्यादा, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल 150 होता है तो हम क्या बोलते हैं? अगर प्राइस इंडेक्स 150 आ रहा है तो हम कहते हैं कि प्राइजेस में 50% का इंक्रीज है. हाउ डू यू इंटरप्रेट एन इंडेक्स नंबर लेसर देन 100? अगर इंडेक्स नंबर 100 से कम आ गया तो उसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे? तो हम कहते हैं कि इन फैक्ट इसको 100 से माइनस कर दीजिए तो आपके पास में आ जाएगा 41.2 रफली, राइट? सो तो वो क्या कह रहे हैं कि इसको इंटरप्रेट करने के लिए हम बोलेंगे कि जो प्राइसेस हैं उसके अंदर रफली 2.14% का डिक्रीज़ हुआ है, यानी कि प्राइसेस इंक्रीज नहीं हुए और इतने सालों में प्राइसेस उल्टा कम हो गए हैं. सो जब कंज्यूमर्स प्राइस इंडेक्स 100 से कम आए दैट मीन्स इट्स नॉट एन इन्फ्लेशन, यानी कि प्राइस राइज नहीं है बल्कि प्राइसेस जो हैं डिक्रीज हो गए हैं बाय 2.14%. ऑलराइट, सो लेट्स मूव ऑन टू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो थोड़ा सा पार्ट एक बॉक्स में दिया हुआ है. सो इट्स बेसिकली द CPI बॉक्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ. तो इस बॉक्स के अंदर देखें तो हमें पता है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है इट मेजर्स द एवरेज चेंज इन रिटेल प्राइसेस, यानी कि रिटेल प्राइसेस में जो एवरेज चेंज होता है उसको मेजर करता है. और हमने एक एग्जांपल में ये भी देखा कि जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स का CPI होता है, यानी कि कंज्यूमर्स प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, वो हमें एक जनरल इन्फ्लेशन लेवल का आइडिया देता है. और इंक्रीजिंगली यानी कि टाइम के साथ साथ जितना ज़्यादा वो CPI का कैलकुलेशन एक्यूरेट होता जा रहा है, अब ये माना जाता है कि जो इन्फ्लेशन है उसका सबसे अच्छा जो आइडिया है वो CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स ही देता है, राइट? लेकिन हम ये देखें लेकिन बॉक्स में दिया हुआ है कि इंडिया में, सॉरी स्टार्ट ओवर, ऑलराइट, सो लेट्स मूव ऑन टू तो अब हम CPI का जो बॉक्स के अंदर एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में वो देखेंगे. सो CPI एज वी नो इज अ मेजर ऑफ द एवरेज चेंज इन रिटेल प्राइसेस. और हमने ये भी देखा है कि एक एग्जांपल में कि जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स का CPI है, यानी कि कंज्यूमर्स प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, इट्स अ वेरी गुड मेजर ऑफ इन्फ्लेशन रेट, यानी कि वो इन्फ्लेशन रेट को बहुत अच्छे से सब्सटीट्यूट करता है और जनरल इन्फ्लेशन का एक आइडिया देता है कि प्राइस वाइज पूरी इकोनॉमी में कितना हुआ है, राइट? सो इसी तरह से हम क्या कहते हैं कि क्योंकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंज्यूमर्स का वेलफेयर या उनका कॉस्ट ऑफ लिविंग देखने के लिए निकालते हैं, तो कंज्यूमर्स प्राइस इंडेक्स बेसिकली इंडिया के अंदर 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइडेड है. यानी कि इंडिया में, इन इंडिया 3 CPIs आर कंस्ट्रक्टेड, 3 तरह के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्सेस क्रिएट किए जाते हैं. और ये 3 तरह के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंज्यूमर्स की 3 ब्रॉड कैटेगरीज के बेसिस पे बनाए गए हैं, ठीक है? जो कंज्यूमर्स हैं उनकी 3 ब्रॉड कैटेगरीज हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल वर्कर्स, अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज़, और थर्ड इज CPI फॉर एग्रीकल्चरल वर्कर्स. सो ये 3 ब्रॉड कैटेगरीज हैं जिनके ऊपर ये 3 इंडेक्सेस बनाए हैं. सो वी हैव द फर्स्ट वन CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और आजकल तो उसको और ज़्यादा एक्यूरेट बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि जनरल इन्फ्लेशन का आइडिया मिले और प्राइस राइज का लोगों के एक्चुअल लाइफ पे क्या इफेक्ट होता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग पे क्या इफेक्ट होता है, उसका ज़्यादा अच्छा आइडिया मिल जाए. सेकेंड इज CPI फॉर अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज, एंड थर्ड इज कंज्यूमर्स प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चरल वर्कर, यानी कि जो एग्रीकल्चरल सेक्टर में काम करते हैं, राइट? सो ये तीनों के तीनों जो CPIs हैं इनका हर महीने कैलकुलेशन होता है. एवरी मंथ दे कैलकुलेटेड, बेसिकली एवरी मंथ इसलिए कैलकुलेट होते हैं बिकॉज पॉलिसी मेकिंग के अंदर कंज्यूमर का वेलफेयर देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर प्राइसेस इंक्रीज होते हैं कमोडिटीज़ के, वो जनरली मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज जो होती हैं, लाइक मैक्रो इकोनॉमिक, मैक्रो यानी कि जनरल बड़े लेवल पर इकॉनमी जो है उसके पॉलिसीज जब हम बनाते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होती है इन प्राइस इंडेक्सेस. क्योंकि बेसिकली अगर ये आप एक वेलफेयर नेशन हो जैसे इंडिया है, जो कि
डेमोक्रेसी है, वेलफेयर नेशन है. सो व्हाट डू वी डू इज पॉलिसी, आपने सुना होगा फाइव ईयर प्लान्स के बारे में, फर्स्ट फाइव ईयर प्लान, सेकंड फाइव ईयर प्लान, डेवलपमेंट गोल्स, या फिर क्या अचीव करना चाहती है कंट्री आने वाले पाँच सालों में, सो ऑन एंड सो फोर्थ. अब प्लानिंग कमीशन है जो उसका नाम नीति आयोग हो गया है मोदी गवर्नमेंट के अंडर, राइट. सो वो क्या कह रहे हैं कि पॉलिसी मेकिंग में हमें देखना होता है कि मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज कंज्यूमर्स को कैसे अफेक्ट करती हैं. तो अगर वो कंज्यूमर्स को अगर हमें उसका एक एक्यूरेट चेक रखना है कि कैसे उनका कॉस्ट ऑफ लिविंग चेंज हो रहा है, तो ये तीनों इंडेक्सेस बहुत हेल्प करते हैं. और ये तीनों के तीनों इंडेक्सेस जो हैं, इसलिए इनको हर मंथ कैलकुलेट किया जाता है सो दैट दे आर अपडेटेड, यानी कि उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो फ्रेश रहे, राइट. सो जो फर्स्ट और थर्ड इंडेक्स हैं, दे आर पब्लिश्ड बाय लेबर ब्यूरो शिमला, राइट. सो अब वो क्या कह रहे हैं कि जो फर्स्ट और थर्ड इंडेक्स है, यानी कि एग्रीकल्चरल वर्कर्स और इंडस्ट्रियल वर्कर्स का जो CPI है, कंज्यूमर्स प्राइस इंडेक्स, वो तो लेबर ब्यूरो पब्लिश करता है शिमला से. और जो सेकंड है, यानी कि अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज़ का जो कंज्यूमर्स प्राइस इंडेक्स है, वो सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करती है. अब ये बाइफर्केशन बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों के अंदर और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के लिए करना, क्योंकि तीनों जो है वो ब्रॉड सेट ऑफ कंज्यूमर्स हैं. और ये तीनों कंज्यूमर्स का फिर जो डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स का इंटेक है वो भी अलग अलग है. यानी कि अगर आप देखेंगे तो इंडस्ट्रियल वर्कर और एग्रीकल्चरल वर्कर्स में, इनफैक्ट सभी के अंदर, सभी कंज्यूमर्स के लिए फूड जो है वो तो सबसे इम्पॉर्टेंट कैटेगरी होती है, सबसे इम्पॉर्टेंट आइटम ऑफ कंजम्पशन होती है. इसीलिए इफ़ यू लुक एट द टेबल इन द कंज्यूमर्स प्राइस इंडेक्स बॉक्स, CPI के बॉक्स के अंदर जो टेबल बना हुआ है उसमें 57% वेटेज दिया है फूड को इन किसी भी प्राइस इंडेक्स के अंदर, राइट. अगर आप CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स और एग्रीकल्चरल वर्कर्स देखते हैं, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे पान, सुपारी और ऐसे गुड्स जो कि बहुत ज़्यादा कंज्यूम होते हैं, या फिर ऐसी चीज़ें जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स या एग्रीकल्चरल वर्कर्स ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, वो भी उनके इंडेक्स में होते हैं और उनका वेट भी अलग है. ऑन द अदर हैंड, अगर हम अर्बन एम्प्लॉयज़ को लेंगे, तो अर्बन एम्प्लॉयज़ में हम लोग देखते हैं कि वो लोग पान सुपारी पर प्रॉबेबली इतना ज़्यादा फोकस नहीं करते, इसलिए वो उनके इंडेक्स के अंदर एक इम्पॉर्टेंट कैटेगरी नहीं होती, राइट. जो उनके इंडेक्स में इम्पॉर्टेंट कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि कार्स और व्हीकल्स, या फिर स्कूल एजुकेशन वगैरह वगैरह, तो उन सब का जो उनके प्राइस इंडेक्स के अंदर जो उनका वेटेज है वो ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली, राइट. सो क्योंकि अलग अलग कंज्यूमर ग्रुप्स के जो कंजम्पशन बंडल्स होते हैं, यानी कि वो क्या खरीद रहे हैं, उन सब में अलग अलग आइटम्स होते हैं, तो हमें अलग अलग CPIs चाहिए, यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्सेस चाहिए, ताकि पॉलिसी मेकिंग और स्ट्रॉन्ग होती रहे और जितना भी हम इंडेक्स कैलकुलेट कर रहे हैं वो और एक्यूरेट हो. हेंस द नीड फॉर बाइफर्केशन, इसलिए हमको इसको बाइफर्केट करना या फिर डिवाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है.